22 तारीख को हमारा राम मंदिर फाइनली बनके तैयार। हमें सबसे मुश्किल काम कोई है तो वो डॉक्यूमेंट अपने ठीक कराना है। चीट चूट्स बना दो मेरे लिए। मेहनत की आगे है ना, मेहनत की आगे तो ना किसी तरीके से दांत तेरे ज्यादा बड़े हैं। गुड मॉर्निंग, मेरे भी अगले चैनल में स्वागत है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि हमारे साथ कोमल और ये हमारा न्यू ईयर का फर्स्ट ब्लॉग बना रहा, तो आप सबको मेरी और कोमल की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा कि वो आपको और आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे और ये साल आपका बहुत अच्छे से जाए। लेकिन ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो, आप भी कृपा करना हमारे ऊपर ये प्रार्थना करने की। कहने को तो ये सब ठीक रहता है लेकिन ऐसा जाता नहीं है, है ना कोमल? मतलब परेशानियां मेरे पीछे दौड़ दौड़ के आती है कि मैं बोलता हूँ कि आज मेरा दिन अच्छा जाएगा लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है। तो ये मत दिखाओ, ये कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाती है। तो आज की हमारी जो परेशानी है वो है कि मेरी दो सिस्टर्स है, एक कोमल और एक और है निकिता। तो कि उसके मार्क्स कार्ड में पापा का नाम गलत हो गया, तो नाम भी पूरा ये नहीं कि पूरा ही नाम गलत करवाया हो, एक अक्षर एक स्पेलिंग की वजह से उसकी एडमिशन में 11th के पेपर्स में उसे दिक्कत आ रही है। तो ठीक कराने के लिए बोर्ड जाना पड़ेगा, तो अभी चल के बोर्ड से पहले उसे पता करके आते कि भाई वो ठीक भी होगा कि नहीं होगा। वैसे हो तो जाएगा लेकिन अब क्या पता उसका क्या सीन बनता है। दिनचर्या हमारी कुछ यही रहने वाली है, तो चलो चलते हैं बोर्ड। और मैं अकेले ही जाऊंगा एज ऑलवेज। पिछली बार गया था तो रास्ता भूल गया था, सुनानी जी थे हमारे साथ, आपने देखा होगा पिछली वीडियो तो आपको पता होगा। तो अभी जैसे कि हम मतलब मेट्रोडोर से उतर चुके हैं, अभी जा रहे हैं। आज हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। चलिए अभी पता तो कर लिया और कुछ ठीक नहीं हुआ क्योंकि सबसे मुश्किल काम यही होता है। अभी एक दो हफ्ते वेट करना पड़ेगा, अभी करेक्शन फॉर्म लेके उसे सबमिट करना है, फिर उसके बाद भी और झंझट है। भाई मानो या ना मानो, दुनिया में सबसे मुश्किल काम कोई है तो वो डॉक्यूमेंट अपने ठीक कराना है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि अभी करेक्शन फॉर्म भर के इन्हें सबमिट करके देना, न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश करना। तो भाई अगर किसी का गलत होता ना, गलत जानबूझ के भी मत करना। तो चल रहे हैं, अभी घर हो गया जो होना था। ज़्यादा दिन वेस्ट हो गया, पूरा दिन पढ़ूंगा कब मैं अब जाके। भाई आते टाइम तो मेट्रो मिल गई थी, अब जाते टाइम क्या पता वहाँ तक पैदल चल के जाना पड़े रेहाड़ी चौक तक। जैसे कि हम घर पे पहुंच चुके हैं और भाई भूख बहुत ज्यादा लग रही थी, तो आज हमारी मम्मा ने बनाए हैं यूपी के स्पेशल। अगर कोई देख रहा है तो मुझे बताना है इसको कहते क्या हैं, अगर नहीं बताओगे तो मैं अगली वीडियो में खुद बता दूंगा। और ये ना थोड़े आपको फ्रेंच फ्राइज टाइप के लगते होंगे लेकिन ये चावल के आटे के बनते हैं। और आगे हमारी चाय, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा जरूरत है। बाहर जो ठंडी हो रही है ना, जब हम पटनी टॉप गए थे वहाँ पे जितनी ठंडी थी उस टाइम वो जम्मू में हो रही है, तो सोचो भी पटनी टॉप का क्या हाल होता होगा। सही टाइम पे गए थे, ब्लॉग भी अच्छा बन गया। तो चलो खाते हैं इसे, भूख लग रही है काफी। ये देखने के बाद क्या बोलोगे, मेरी बहन है ना, क्या कह सकते हैं। ब्लॉग देखेगी तब चौंक जाएगी। एक दिन का नहीं, रोज का इसका यही हाल है। अब मुझे भी घर पे कम करना पड़ेगा प्रैक्टिस करना, नहीं तो घर वाले बोलेंगे तूने सबको बिगाड़ के रखा है। गाइस अभी जैसे कि मैं फुल तैयार हो गया हूँ कॉलेज जाने के लिए, और मतलब आज 10 दिन बाद जाके हमारा कॉलेज लगा है। 10 दिन से मतलब विंटर वेकेशंस पड़ी हुई थी लेकिन अभी भी ना ठंडी कम नहीं हुई है। और इस चक्कर में हमारे कॉलेज के एग्जाम्स भी आ गए, उसकी डेट शीट आ गई। 4-5 दिन बाद हमारे एग्जाम स्टार्ट है। कोमल कैसे पास करें आप बताओ, कोई चीट चूट्स बना दो मेरे लिए, बता दो, चीटिंग मारना सिखा दो मुझे। झूठ बोल रहे हो, आपने मारी है एक बार? नहीं झूठ बोल रहे, बताओ क्या मारी? आपने ABCD की चीटिंग मारी थी मेरे से, है ना? आप मेरी जब मैं पढ़ाने बैठता हूँ आपको तब आप चीटिंग मार के लिख लेते हो पीछे से, है ना? देखा मैंने, देखे। और बहुत ज्यादा ठंडी है, आज एक ही दिन जाएंगे फिर अब सीधा एग्जाम में जाएंगे, ठीक है? अच्छी बात है ना कि रोज जाना चाहिए कॉलेज। बताओ छुट्टी मारनी चाहिए। तो वो देखो आगे का रास्ता ही नहीं दिखेगा। अभी जैसे कि हम आ चुके हैं कॉलेज, और कॉलेज में हमें दर्शन देखो किसके हुए। हेलो ब्रो, पढ़ने की नाकामयाब कोशिश कर रहे हो? मतलब देख रहे हो ना, पढ़ कौन रहा है आज? शाहिद भाई ये कैसे हो रहा है? आज यमदूत आए थे, टाइम कम बचा है। सही है, हम भी नाकामयाब कोशिश करने की कोशिश करेंगे, है ना शाहिद भाई? करने तो पड़ेंगे। कितनी देर तक होगी ये कोशिश? करेंगे 15 मिनट तक चलेंगे। शाहिद भाई आज कितनी पढ़ाई कर ली है फिर? बहुत है, वैसे हिस्ट्री तो खत्म हो गई आज। ओके, मतलब यही बंदा मेरे से भी पहले आके बैठ गया पढ़ने। और भैया आप मेरी जगह पे बैठे हो, याद रखना ठीक है ना? तुम आज कैसा है? ठीक है,
दुनिया में तो आग लगाई है आज, कॉलेज में कॉलेज की बारी है ना, कहाँ पर लगाना चाहोगे? जहाँ मर्जी लगाओ यार, लकड़ी इधर आना, मुझे लकड़ी पेड़ से तोड़नी है ना। चलो पेड़ से तोड़नी, बंदे से तोड़नी है। आप लकड़हारे बन के दिखाओगे, ठीक है ना? हम लकड़हारे नहीं, लकड़हारे बन के दिखाएंगे। मतलब ठंडी में एक चीज का बड़ा फायदा होता है, सस्ते नशे होते हैं। सस्ते नशे, ये देख कर 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 निकाल। क्या? ओहो भाई, मैं वहां पे करके दिखाऊंगा तुम्हें ओरिजिनल वाले। पक्का? ये घास सूखी है ना भाई साहब? अभी हमारे सूखी है ना, हाँ। घास पे आग लगा देते हैं। घास सूखी है, घास पे आग लगा देते, पेड़ पे ही लगा देते ना। तो मतलब अभी कॉलेज में धुंध देखो कितनी ज्यादा हो रही है। लकड़ियां तोड़ के लाए, लकड़ी तोड़, लकड़ी तोड़ने को पता नहीं, सूखी वाली पकड़ना, ठीक है ना? चोरी तो कर ली है मैंने। और भैया ठीक हो? देखो चुराने लायक है यहाँ पे, जो हम चुरा के लेके जा सके। जलेगी नहीं, गीली है, नहीं जले, पत्ते भी नहीं लगाते। ये तो टैक्सी ले आता है मुझसे, बोरी है ना, तोड़ लेते हैं। और बोल, बोरी जला देते हैं, ये तो जलाने है ना। शाहिद भाई ने लगा दी धुएं वाली आग। धुएं वाली आग, आग भी धुआं लेस होती है। ओहो अकल है आपको, मेरी अकल तंग है भाई, तुमसे ना परे। मतलब कोई इंसान होता जो छोटी लकड़ी लाता है। ये देखो भाई क्या है ये, शाहिद भाई। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही? पेड़ उठा के ले आया कॉलेज में, मेरे बेइज्जती कराई अब तीसरी बार। भाई साहब ये मेहनत की आग है ना, मेहनत की आग है। मेहनत की आग है, अगर ये यहाँ से कट जाता ना किसी तरीके से, हाँ तेरे ज्यादा बड़े। बैठने का भी कुछ प्रबंध होगा कि इधर ही बैठ। अब बैठ रहा हूँ। जैसे कि मैं अपने घर पे पहुंच चुका हूँ, भाई ठंडियों में कॉलेज जाना ना भाई मौत के खेल से कम नहीं। इतनी ज्यादा ठंड होती है कि भाई लिटरली हाथ मतलब सुन पड़ जाते हैं। वो लिखने में जो ठंडियों में होता है ना भाई, लिखा नहीं जाता, हाथ मतलब पता नहीं लगता हाथ में कुछ पेन पकड़ा है कि नहीं पकड़ा। आप सबको जैसे कि पता होगा 22 तारीख को हमारा राम मंदिर फाइनली बन के तैयार हो जाएगा। भाई कितने देर से वेट कर रहे थे कि कब बनेगा कब बनेगा। और आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई मैं भी लखनऊ का ही हूँ, यूपी का ही रहने वाला हूँ मैं, और वहाँ से राम मंदिर काफी ज्यादा पास है। बहुत बार बोला कि इस बार चलेंगे इस बार चलेंगे, लेकिन भाई 22 तारीख को मेरे एग्जाम्स भी स्टार्ट हो गए भाई, जाने में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। ऐसी जगह होगी जैसे वैष्णो देवी हो गया, मथुरा हो गया, केदारनाथ हो गया, वृंदावन हो गया, ऐसी जगहों पे मेरा जाने का बहुत मन करता है। जो सुकून मिलता है ना ऐसी जगहों पे मिलता है। ऐसा भी कहते हैं कि भाई जब तक भगवान की मर्जी नहीं हो ना तब तक आप वहाँ पे नहीं जा सकते। अगर भगवान आपको बुलाएंगे तो आपकी सिचुएशन ही वैसी बनने लगेगी कि भाई वहाँ पे जाने का प्लान अपने आप ही बन जाता है, किसी भी तरह से इंसान पहुंच ही जाता है। तो मेरा भी यही मानना है कि भगवान किसी दिन हमें जरूर बुलाएंगे, और लगता है कि इस बार अगर हम गए ना गाँव, तो अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर इस बार गाँव गए ना तो पक्का अयोध्या राम मंदिर के दर्शन आपको जरूर होंगे मेरी वीडियोज में। जय श्री राम, जय श्री राम। चलो आज के ब्लॉग में बस इतने ही रखते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। ये कब से इतना पढ़ने लगा है? कौन पढ़ रहा है? तू कौन पढ़ रहा है? तू कौन से है? और बढ़िया।